नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। आज मैं एक बेबी फूड बना रही हूँ। तो इससे पहले मैंने रैगी टोन शेयर किया था, लेकिन वो पैकेट वाला था। ये जो है रियल रैगी से आप कैसे बना सकते हैं बेबी फूड, ये मैं आज दिखा रही हूँ। तो ये है रैगी जो मैंने खरीद के रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने आधा कप रैगी ले लिया है। अब मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। तो ये देखिए, ये मैं पानी डाल रही हूँ और आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर कैसी गंदगी है। तो आप देखना, ये देखिए, इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे एक बार। ये देखिए, ये मैं पानी गिरा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी गंदगी है। तो हमें तब तक वॉश करना है जब तक हमें साफ़ पानी ना दिखे। तो ये देखिए, अब साफ़ पानी आ गया है। अब हम इसे सोखने के लिए छोड़ देंगे। तो ये मैंने कल रात को किया था, तो अभी सुबह हो गई है। तो सुबह ये मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है और ये देखिए, ये मैंने अच्छे से पीस लिया है। इसे अब हम छलनी से छान के निकाल लेंगे। तो मैंने पानी ज़्यादा ऐड नहीं किया था, कम पानी में ही हमें अच्छे से इसे ग्राइंड करना है। चम्मच की सहायता से हम इसे अच्छे से छान लेंगे और थोड़ा सा पानी हम मिक्सर जार में डाल के मिक्सर जार को भी धो के निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसे और पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये हम फेंक देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है छाना हुआ मिक्सचर। तो ये अभी गाढ़ी है, इसे हमें और डाइल्यूट करके यूज़ करना है। तो चलिए एक पतीले में ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आधा रागी का जो हमने बनाया है आधा ली हूँ मैं यहाँ पे। अब इसे मैं एक गिलास पानी डाल के इसे डाइल्यूट कर दूँगी। डाइल्यूट किया हुआ मिक्सचर अब हम इसे गैस में चढ़ा लेंगे और धीमी आंच में इसे हिलाते रहेंगे कंटिन्यूसली, क्योंकि ये गाढ़ी हो जाती है फटाफट। तो इसे हम कंटिन्यूसली चलाएंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर जो है अब गाढ़ी हो रही है। हमें कंटिन्यूसली हिलाना है, अब ये फटाफट गाढ़ी होती जाएगी। तो ये देखिए, अब मैं गैस ऑफ करूँगी, क्योंकि ये जैसे ही ये ठंडा होगा ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस स्टेज पे इस गैस को ऑफ कर दूँगी। ये देखिए, मैंने गैस बंद कर लिया है और आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा उतना ही ये गाढ़ा होता जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें नमक। नॉर्मली बच्चों को मीठा पसंद है तो इसमें मीठा ऐड किया जाता है, लेकिन मेरी बेटी जो है वो मीठा नहीं खाती है, उसे नमकीन पसंद है। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। स्वाद अनुसार नहीं है ये, बहुत कम है ये। तो ये देखिए, मैंने बहुत कम नमक डाला है। आप भी जो आपकी बेबी को पसंद है मीठा या नमकीन, उस हिसाब से आप ऐड करके दीजिए। बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी है और इसमें आयरन है, इसमें सारे विटामिंस हैं जो छोटे बच्चों को ज़रूरत होती है। तो आप भी अपने बच्चों को ये ज़रूर खिलाएं, ये बहुत ही हेल्दी होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।